पता नहीं उसमें कोई था या नहीं था। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग निकल दिए हैं आज फिर से घूमने के लिए, बहुत दिनों बाद एक टूर। और हम लोग जस्ट जा रहे हैं आज उत्तराखंड के टूर के लिए। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने टूर की। मॉर्निंग का टाइम है, 5 बज रहे हैं, सुबह के 3 बजे हम लोग निकले थे, 2 घंटे हो चुके हैं। और ये रही हमारी गाड़ी जिसमें जा रहे हैं सारे फ्रंट ग्रुप सर्कल। पेट्रोल पंप पे रुके हुए थे, अभी जस्ट स्टार्ट करिए जर्नी। तो देखते रहिए आगे, खूब मज़ा आने वाला, 4 से 5 दिन का टूर है। और देखते हैं अगर आइस और स्नो मिलती है तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टे नैनीताल में होने वाला है, उसके बाद दूसरा स्टे, फिर तीसरा, फिर फिलहाल तो मौसम बहुत अच्छा है, आगे देखते हैं कैसा मौसम होगा। कि मैं आपको अपडेट दूंगा कोविड और ओमिक्रॉन और जो भी ई पास से रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड, जब तक बॉर्डर क्रॉस नहीं हो जाता यूके का बॉर्डर, तब तक मैं आपको अभी कोई अपडेट नहीं दे पाऊंगा। बॉर्डर क्रॉस होने के बाद मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में क्या वेरिफिकेशन है, क्या चेकिंग हो रही है चेक पोस्ट पे। तो देखते रहिए, बाकी मैं आपको अपडेट देता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो डुंगी बॉर्डर क्रॉस कर लिया है हम लोगों ने। फिलहाल कोई चेकिंग नहीं थी यहाँ पे, ना कोविड ना कोई वैक्सीनेशन की, तो अभी कोई भी चेकिंग नहीं हो रही है। बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, लगभग मॉर्निंग का टाइम है, 8 बज चुके हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर कालाडुंगी बॉर्डर के पास में ही हैं, तो जस्ट वेट कर रहे हैं। तो मौसम बहुत ही अच्छा है, अभी जस्ट यहाँ से 50 किलोमीटर दूर और है नैनीताल, देखते हैं वहाँ पर क्या हुआ का क्या क्लाइमेट है।
रास्ते में रुके हुए हम लोग टी पीने के लिए। मौसम धूप निकली हुई है यहाँ पे, सुबह का टाइम हो रहा है और बस यहाँ पे ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट रुकने वाले हैं। और ये सामने देखिए फूड क्लासिक, नैनीताल का फूड क्लासिक, मतलब डबल डेकर है। ऊपर आप बैठ के टी कॉफ़ी पूरा डबल है, मतलब ऊपर सीटिंग का पूरा प्लान कर रखा है इन लोगों ने। और आप चाय पी सकते हैं। और ये देखिए मौसम, बारिश का मौसम है यहाँ पे, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जिससे कि लैंडस्लाइड और रोड में जाम कॉमन चीज़ है। क्लाइमेट एकदम मौसम है। चाय पीते हैं फिर चलते हैं ऊपर नैनीताल की तरफ। हम लोग सुबह सुबह अभी जस्ट होटल का चेक, लोग यहाँ पे होटल बुक करते हैं उनको प्री बुक कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर यहाँ पे अगर आप मैनुअल अगर आप होटल सर्च करते हो तो मिल तो जाएगा, बट थोड़ी सी आपको मेहनत और टाइम लगेगा। और दूसरा, मौसम कैसा भी हो ब्लोवर और हीटर तो आपको लेना पड़ेगा रूम के लिए। पर नाइट का चार्ज होता है 200 रुपीज़ और रूम 2 से 4 लोगों के लिए, 2 to 4 मेम्बर्स के लिए 2000 से 2500 तक को आराम से मिल जाएगा मॉल रोड। तो फाइनली अभी हम चेक इन कर लिया होटल से, उसके बाद अभी हम जा रहे हैं लवर्स एंड सुसाइड पॉइंट पे। सामने देखिए पहले यहाँ पे घूमते हैं, उसके बाद 3-4 पॉइंट और हैं नैनीताल में। मॉल रोड से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है लवर्स एंड सुसाइड पॉइंट, उससे पहले केव गार्डन भी आता है तो आप चाहें तो वहाँ पे घूम सकते हैं। और केव गार्डन से ऊपर लवर्स पॉइंट, उसके ऊपर है टिफिन टॉप। टिफ़िन टॉप पे गाड़ी तो नहीं जाती है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, उसके लिए आपको घोड़ा करना पड़ेगा। और यहाँ पर पार्किंग भी नहीं है। ये सामने टिफ़िन टॉप के लिए घोड़े खड़े हुए हैं, ऊपर जाकर टिफ़िन टॉप के लिए जाते हैं लोग, हाईएस्ट पॉइंट है। ये जो सामने आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ये गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई हैं जो लोग लवर्स एंड सुसाइड पॉइंट में आए हुए हैं। अरे जाओ ना, चलो बैठो सर, ठीक है बैठो ठीक है।
पता नहीं उसमें कोई था या नहीं था। खाली बस चलती है लग रही है। खाली बस गई कहाँ से? जब अच्छा वहाँ से उधर से भी निकलेगी तो उसका मुंह ऐसे भाई। खाली बस लगी